तो गाइस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस इतिहास का एक लौता ऐसा शो जिसमें जो दिखता है वैसा झाट। मुझे अभी भी इस बात का घमंड है कि मैंने जिंदगी में बिग बॉस सिर्फ पुनीत भाई के लिए देखा था, और जैसे ही इन लोगों ने पुनीत भाई को बाहर निकाला तो मैंने भी निकाला अपने फोन से जियो सिनेमा ऐप को। अब एक बिग बॉस ऑलरेडी चल रहा था टीवी चैनल्स पे, पर अभी दूसरा बिग बॉस भी आ चुका है जिसे लोग बिग बॉस ओटीटी कह के बुला रहे हैं। पर मैं इनसे कहना चाहूंगा कि भाई तुम चाहे दूध चाय पत्ती में डालो या चाय पत्ती दूध में डालो, बनेगा तो चाय ही। मतलब इन दोनों ही टीवी शो में उतना ही फर्क है कि जितना ड्यूरेक्स और मैनफोर्स के प्रोडक्ट में फर्क होता है। अरे नहीं भाई, बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 को अपना करण जोहरवा होस्ट कर रहा था, पर सीजन 2 में सलमान खान को लाकर इन लोगों ने सोचा कि अब तो टीआरपी ही टीआरपी होगा। पर जियो सिनेमा वालों को ये कहां पता था कि लोग सलमान भाई के लिए नहीं बल्कि पुनीत भाई के लिए शो देखने आएंगे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। देखो भाई, अभी तक तुम सबको पता होगा कि पुनीत भाई को बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया था, पर बिग बॉस से निकलने के बाद पुनीत भाई ने वो करके दिखाया जो कभी अनिल अंबानी भी करना चाहते थे, जियो का डाउनफॉल लाना। पुनीत भाई के जाने के बाद लोगों ने बिग बॉस का इतना बहिष्कार किया कि जितना लोगों ने लाल सिंह चड्ढा का नहीं किया था। अरे नहीं भाई, लाल सिंह चड्ढा के टाइम लाल सिंह चड्ढा का चड्ढा लोगों ने लाल से हरा कर दिया था, तो सोचो लोगों ने बिग बॉस का चड्ढा किस कलर का किया होगा। निकल यहां से, निकल। सुपरस्टार का हल्ला मचने वाला है और आग लगने वाली है, जैसे मीम्स में आग लगाई थी इंस्टाग्राम पर, जैसे यहाँ आग लगाने वाला हूँ और मौज मस्ती उड़ाते। किसी को भी वोट करने का कोई फायदा नहीं है, पुनीत सुपरस्टार पे आ जाओ तुम सारे के सारे, मजाक नहीं कर रहा, फायदा होने वाला है। गरीब लड़कियों की शादी कराता हूँ, अभी 100 लड़कियों की शादी करवानी है मेरे को गाँव गाँव जाकर, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं दोस्तों। डियर बिग बॉस, मुझे पता है कि आपने जनता का शो बोल बोल के जनता को ही अपने अगेंस्ट कर लिया है, पर प्लीज फोकड़ा इंसान के साथ थोड़ा फेयर रहो नहीं तो हम तुम्हारा पहाड़ी निकाल देंगे। और हाँ, जब से फुकरा इंसान बिग बॉस गया है मैं देख रहा हूँ कि पूरा यूट्यूब कम्युनिटी एक साथ हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर फुकरा इंसान की फैमिली इस पे कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है क्या? मतलब उसके फैंस तेरा चैनल फाड़ देंगे? चैनल तो सब फाड़ सकते हैं, दम है तो गांड। जस्ट किडिंग भाई। देखो गाइस, इस साल इस देश में सिर्फ दो ही चीज अद्भुत हुए हैं। पहला, आदि पुरुष बैन होने जगह पूरी दुनिया में रिलीज हो गई, और दूसरा, एमसी स्टैंड बिग बॉस जीत गया। अरे नहीं भाई, अगर मैं एमसी स्टैंड का रैप घर में सुन लेता हूँ ना तो मेरे घर वाले मेरे को कहते हैं तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ इसे, निकल जाओ यहाँ से। मतलब वो कहावत है ना कि जिनके गिरबान में ऑलरेडी छेद होता है उनको किसी दूसरे को ज्ञान नहीं पेलना चाहिए। एक सवाल दनेगा हम लोग को पूछने का, सवाल कि तुम्हारे कंटेंट को भाई ने क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती, नहीं क्या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे, नहीं क्या? सबसे पहले मुझे कोई ये बताओ कि इसको जज किसने बनाया बे, और इसको छोड़ो इन सबको जज किसने बनाया। चला मेरा बच्चे तो मैं इनको सेमिनार भी अटेंड ना करने दूं, ऑर्केस्ट्रा तो दूर की बात है। मां कसम, बिग बॉस ओटीटी बनाने का आइडिया जिसका भी था ना, चला उसके ऊपर तो मैं द ग्रेट खली को छोड़ दूं। देखो भैया, बिग बॉस ओटीटी में जितना भी टीवी वाला बड़ा सन ना, सही बताओ तो नहीं गाइस, सही बता रहा हूँ गाइस, इनका बच्चे तो ये लोग इंटरनेट से सोशल मीडिया को ही गायब कर दे ताकि ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। पर इनको क्या पता, आज सोशल मीडिया की वजह से ही इनका टीवी चैनल्स बंद होने के कगार पे आ गए हैं। शीशे में देख एक बार फेस रीडिंग, पता चल जाएगा सामने भोक मत, दूसरों से कंटेंट तू क्या बोलेगी। अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुछते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में, 36 नहीं बल्कि 9,99,999 पुछते। फिलहाल दो है और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। ए चुप करे मैनेजर। डियर बॉम्बे के बिग बॉस, कृपया बेबीका जी को समझाइए कि फुकरा इंसान को थप्पड़ मारने के लिए उनको सीढ़ी लगेगी, क्योंकि उनकी हाइट और फुकरा भाई की हाइट में उतना ही फर्क है कि जितना एक गेंडे और हाथी की हाइट में फर्क होती है। पर फिर भी अगर फुकरा भाई का हाथ उठ गया ना, जो कि मुझे पता है कि नहीं उठेगा, लेकिन फिर भी उठ गया ना तो बेबीका जी आप उठ जाएंगी। और ये कौन कह रहा है कि इस शो में आलिया भट्ट भी है? अरे मेरे भाइयों, ये आलिया भट्ट नहीं बल्कि पूजा भट्ट है। पूजा भट्ट धरती के उन प्राणियों में से एक हैं जिनको हट और भट्ट में फर्क नहीं पता। अब इनकी जानकारी के लिए मैं इनको बता देता हूँ कि हट का मतलब होता है बट पे, बट, और भट्ट का मतलब होता है बट पे, बट। हाँ, हट और भट्ट में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है, अगर तुम्हें कोई भट्ट कहे तुम चुपचाप हट जाना नहीं तो बट पे, बट। देखो भाई, सिंपल लॉजिक है, जिसके पास जितना पब्लिक है वही बिग बॉस ओटीटी को जीतेगा, यहाँ पे फेयर कोई भी चीज नहीं है। जैसे एमसी स्टैंड पब्लिक के दम पे जीता था, हालांकि वो जीतने लायक तो था नहीं, वैसे ही मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर वो गलत है पर उसके पास पब्लिक है तो भाई बिग बॉस ओटीटी वही जीतेगा। और पूजा भट्ट के पास तो साथ साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट को सिर्फ एक स्टोरी लगाना है और पूजा भट्ट नेक्स्ट है जिया शंकर। हाँ, ये वही है जिसे तुमने रितेश देशमुख की मूवी वड़ा पाव में देखा था, आई मीन मूवी का नाम तो वेट था पर मूवी का कंटेंट वड़ा पाव की तरह था। वैसे मैंने इनका एक पॉडकास्ट भी देखा था जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। आई वॉज इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड वी यूज्ड टू राइट ईच अदर ईमेल्स। ओह दैट ओल्ड, दैट्स ओल्ड स्कूल। तुम्हारी तरह ये व्हाट्सएप स्नैपचैट
ये 5 सेकंड का प्यार नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड के प्यार से याद आया कि सुना है दीदी बिग बॉस में फुकरा इंसान में भी डोरे डाल रही थी और फुकरा भाई को अपने प्यार में गीला आई मीन गिरा रही थी, पर फुकरा भाई सक लौंडा निकले, चला मैं होता तो पक्का गीला हो जाता। स्वीट लाइक ही विल रिसीव अ ईमेल लाइक व्हाइल ही इज वर्किंग व्हाइल ही इज एट ऑफिस बी डिस्ट्रैक्टेड टू अटैचमेंट। भाई ने दीदी को पॉडकास्ट चैनल पे रोस्ट कर दिया, चलो लगता है मेरे को भी पॉडकास्ट चैनल खोल लेना चाहिए, लेकिन मेरे बुलाने पे आएगा कौन? क्या मतलब छपड़ी होकर होता है एमसी स्टैन आएगा? निकल यहाँ से, निकल। सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में जा रहा हूँ, प्रेशर बहुत है। इनफैक्ट ओलंपिक्स में भाग लिया इंडिया के लिए रेसलिंग में, और मैंने एशियन गेम्स में भाग लिया। डियर झोपड़ी के बिग बॉस यार, तू कैसे कैसे लोगों को बुला रहा है? चला इनको मैं क्या, जो 24 घंटे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं ना, वो भी इनको नहीं जानते होंगे। चला इससे ज्यादा फेमस तो अपना लड्डू ललित था। डोंट टेल एनीवन, मैं टॉयलेट साफ करता हूँ। क्या डोंट टेल एनीवन? अबे चाचा चौधरी का 36वां शुक्राणु, तूने डोंट टेल एनीवन बोल के सारे देश को खुद ही बता दिया है कि तू टट्टी साफ करता है। अब 100 करोड़ लोगों को बताया कि तू खत्म। सही बता रहा हूँ गाइस, अगर पुनीत सुपरस्टार शो में होता ना, तो आज इनका शो सिर्फ हिट ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर होता। पिछले कुछ दिनों में पुनीत भाई ने 2 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स गेन किया है और बिग बॉस ने 1 मिलियन से ज्यादा लूज किया है। चला इतना फॉलोअर्स तो मैं जिंदगी में लूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो उतने भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट, ताकि फ्यूचर में मैं भी लूज कर सकूं सब्सक्राइबर्स। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे तुम मुझे फॉलो भी कर सकते हो, कमेंट में ही बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तो हां थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग।